रूस यूक्रेन की लड़ाई लगातार 9 महीने से जारी है। ऐसे में दोनों तरफ से युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ भारी नुकसान के दावे सामने जरूर आए हैं। ताजा दावा यूक्रेन की तरफ से ये किया गया है जिसमें रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। एक एक दावे हम आपको बताते हैं किस तरीके से यहाँ पर रूस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दावा यह है कि सैनिकों की मौत जो अब तक हो चुकी है वो 78,990 सैनिकों की मौत हो चुकी है और टैंक भी भारी संख्या में तबाह किए गए हैं। ये रूस को नुकसान के आंकड़े आपके सामने हैं। अगर टैंक तबाह कितने हुए हैं, 2,804 यानी 2804 टैंक यूक्रेन की तरफ से तबाह कर दिए गए। देखिए लंबा युद्ध चला है और अब भी ये थमा नहीं है। ऐसे में सैन्य गाड़ियों की अगर बात की जाए तो वो रूस को कितना नुकसान पहुंचा है यह हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से अब तक 5,682 सैन्य गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और इसके साथ ही आसमान में भी लगातार यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है। ऐसे में एयरक्राफ्ट जो है वो अब तक 278 नष्ट किए जा चुके हैं जिन पर एक के बाद एक मिसाइल हमले किए गए। तो एयरक्राफ्ट के बाद हेलीकॉप्टर की तबाही पर भी नजर डालते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि यूक्रेनी सेना के जरिए रूस के 260 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया। वही अगर जंगी जहाजों की बात की जाए तो 16 जंगी जहाज अब तक रूस के यूक्रेन ने नष्ट कर दिए हैं। इसके साथ ही आर्टिलरी जो तबाह किए गए हैं वो 1,805 है। देखिए हर पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से।